नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूं। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और इस समय जैसे कि हम सभी जानते हैं त्योहारों का समय है और अपने स्वास्थ्य पर हम कम ध्यान दे पाते हैं। तो आपको करना क्या है, दिन भर अभी फेस्टिवल है, एंजॉय कीजिए, मिठाई भी खानी है, लेकिन उसकी क्वांटिटी को आप ध्यान में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि एक पाव आधा किलो मिठाई एक साथ ही खा लें। एक एक पीस खाएं, कंट्रोल में खाएं, संतुलन हमेशा बना के रखें। तो आप देखेंगे कि आपको ऐसा रिग्रेट नहीं होगा कि अरे हमने इतना खा लिया, अब बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो नहीं करना है, शुरू से ही ध्यान रखें। कोशिश कीजिए घर में बनी मीठा, जो घर का बना मीठा होता है, आप उस पर फोकस करें, उसको खाने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। और जो आपके भोजन है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया और साथ में, क्योंकि इस समय आपका फिजिकल जो वर्क है वो वैसे भी बढ़ जाता है, आपको जगह जगह जाना है, मिठाइयाँ हैं, त्यौहार का समय है, एक दूसरे के हम मिठाइयाँ देते हैं, पहुँचाते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी तो हो ही जाती है। और कुछ दिन अगर आप 3 से 4 दिन का ब्रेक ले रहे हैं, 4-5 दिन का फेस्टिवल के टाइम पे ब्रेक ले रहे हैं, तो इसमें इतनी कोई चिंता की बात ही नहीं है। कई लोगों को बहुत इसका भी प्रेशर हो जाता है कि हम अभ्यास नहीं कर रहे। जो लोग रेगुलर हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग रेगुलर हैं उनको ये मन में ज़रूर ही आता रहता है कि हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं सोचना, क्योंकि हम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात यहाँ नहीं करते हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य की भी बात करते हैं। तो मन में ये सारे संशय लेकर नहीं फेस्टिवल को पूरा बिताना है। खुशी खुशी त्योहार मनाइए, आप कवर अप कर लेंगे अगर आप संतुलन रखेंगे, अगर आप बैलेंस करके चलेंगे, बैलेंस करके भोजन करेंगे और उल्टा सीधा ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो आपका त्योहार बहुत खुशी खुशी निकलेगा और टेंशन फ्री होके कीजिए। क्योंकि इतना सारा घर का काम है कि अभी ठीक है, आपका जो अभ्यास है वो रुकता भी है 2-1 दिन के लिए, तो इसमें कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए अभी तो हम अभ्यास करेंगे। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि रेगुलर ही रहे और अभ्यास छूटे नहीं। तो हम सभी को साथ में अभ्यास करना है। तो कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे इस तरीके से, जो लोग सीधा एक बार में बैठ पाए ठीक है, अदरवाइज आप अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। हाथों की हथेलियां इस तरह सामने की तरफ, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएंगे और इस तरह स्ट्रेच कीजिए, शरीर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पैरों को नीचे जमीन पर दबा के लगा के रखेंगे। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं, शरीर को आप ढीला छोड़िए। देखिए जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ आप कीजिए, आपको फील होगा। बिल्कुल ऐसे तन के नहीं बैठना है, शरीर को ढीला छोड़ें, शोल्डर को लूज कीजिए, ढीला छोड़ें, हिप मसल्स को ढीला छोड़ें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगाएंगे, यानी शरीर भी आती और जाती श्वास पर ध्यान देंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। छोटी सी एक प्रार्थना सभी साथ में करेंगे। ओम असतो मा निर्गमय ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय ओम विद्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोल लीजिए, अपने अपने मैट पर पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे, आगे पीछे चलाएंगे। 10 से 15 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, चालू क्रियाएं करेंगे। उसके बाद हम वार्म अप और फिर बेनिफिट के लिए इस तरीके से पैरों को आगे पीछे टखने बहुत जरूरी है, टखनों का मूवमेंट। इनहेल एक्सेल, इस तरह से इनहेल एक्सेल कीजिए। और जो लोग ऐसे कमर को सीधा करके नहीं बैठ पाते हैं वो लोग हल्का सा ऐसे सहारा ले लेंगे। जितना चला सकते हैं उतना चलाने का अभ्यास कीजिए। ऐसे रोटेट कीजिए अच्छे से, इनहेल करते हुए अपने शरीर की तरफ, एक्सहेल करते हुए बाहर। देखिए हो सके रिदम के साथ चलिए। अब ऑपोजिट साइड से पैरों को बीच में रखिए, उंगलियों को अच्छे से प्रेस करेंगे। ये आपका डेली रोज का काम है, योग का डेली डोज हम करते हैं यहाँ पर। तो इसमें डेली डोज में ये वो ऐसी टैबलेट है ये जो रोज खानी है। ये देखिए ऐसे इनहेल, कमर सीधी रखने की कोशिश कीजिए, पूरे पॉस्चर में ध्यान देंगे। देखिए मेरा दांत सीधा जितना पॉसिबल है उतना कीजिए, क्षमता अनुसार। आपका अभ्यास हमेशा आपकी क्षमता अनुसार। 3, 4 घुटने रोज चलाने हैं। 5, 20, 30, 40 काउंट्स चलाए। 6, 7, 8, 9, 10। अभी 2 राउंड करेंगे इसके, तो 10 राउंड फिर दोबारा जब करेंगे तो होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से दाएं पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड होल्ड। इस तरह से कमर को सीधा और जितना आपसे होल्ड हो। जो लोग बिल्कुल इस तरह से टच कर सकते हैं, टच करने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिन लोग की फ्लेक्सिबिलिटी कम है वो ऐसे पर रखना है, हंच नहीं बनाना। देखिए ऐसे नहीं करना, ये आपका पॉस्चर होगा। देखिए कितना फर्क है, ऐसे सीधा और ऐसे। ये गलत है, ये लोग अक्सर करते हैं, ये नहीं गलत। ऐसे सीधा दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड होल्ड। यहाँ पर भी उसी तरह हंच भी बनाना है पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। यहीं से आप ऐसे कैरी कीजिए लेग को, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आप साइड में ले जाया कीजिए, जितना साइड आप ले जा सकते हैं उतना साइड लेकर जाए। इस तरह से हाफ बटरफ्लाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूसरी साइड से इसी तरह जैसे आपने फर्स्ट किया। आप देखें ऐसे कैरी कर लिया, पैर को इस तरह से जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाने की कोशिश करें। जो लोग बिल्कुल नीचे ही डाउन करके कर सकते हैं वो ऐसे, पूरा नहीं उठ रहा है पैर तो ऐसे, बाकी सभी लोग जितना ऊपर उठा के कर सके उतना अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं से हाफ बटरफ्लाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई से पहले चलिए 10 काउंट्स देखिए। इस तरह दोनों पैरों को खोल लीजिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब इसी को जो अभ्यास ने ऐसे किया अभी नीचे बैठकर, इसी को ये मलासन में बैठना है। इस तरह से मलासन में कमर सीधी रखिए, जितनी सीधी आप कर सकते हैं उतना सीधा आप कमर को करेंगे। और यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। दोनों पैरों पे तलों को आपस में जोड़ेंगे। बटरफ्लाई, कमर सीधी रखें और जितनी मूवमेंट हो पा रही है उतनी करने की कोशिश कीजिए। आपके पैर ऊपर है तो इस तरह हल्का हल्का ऐसे, और बाकी सभी लोग जो लोग पूरा कर सकते हैं, पूरा पैरों को ऊपर नीचे ला सकते हैं, पूरा बटरफ्लाई करेंगे। इस तरह से अच्छे से कीजिए। बटरफ्लाई काफी बहुत ही प्रभावशाली है और इजी है, और इसको आप 5 मिनट अगर आप चाहते हैं, इसमें समय लगेगा 2 से 3 महीना लगेगा आपको, आपका मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा, देखने से तो नहीं होगा। तो सिर्फ वीडियोस देखने नहीं है, उसको करना भी है। चलाइए अच्छे से ऊपर नीचे पैरों को, कमर सीधा। बात बीच में खुद से मोटिवेशन लेना है, अपने आप से सोचना है, कमर सीधी रखनी है और पूरा पैर चलाने की कोशिश करनी है। धीरे से अभ्यास को रोकेंगे और पूरी 10 काउंट होल्ड लीजिए। शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और पैरों को नीचे जमीन से सटा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। यहीं से अब आज हम कमर के लिए अभ्यास रखेंगे जो हम डेली आजकल कर ही रहे। कुछ दिन लगातार देखिए सेम प्रैक्टिस कीजिए ताकि उसके इम्पैक्ट्स आपको पता चले। 3 4 5 6 7 8 कीजिए, साथ में 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहीं से वज्रासन में आ जाए। ज्यादा रुकने नहीं है आज, अभी तो ये चालन क्रिया है, इनको लगातार हम 15 से 20 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं। इस तरह से कोहनियों को घुटनों के पास लगाएंगे। सबसे पहले हम कैट एंड कैमल पोज करेंगे। ये मैं लगभग अपने सेशन में डेली कराती हूँ क्योंकि इससे आपकी स्पाइन जो है वो स्वस्थ रहती है और स्पाइन का स्वस्थ रहना बहुत बहुत जरूरी है। इस तरह से आगे रखिए, ये आपका शरीर का पोजीशन ये है। अब हाथ और पैर एक जगह फिक्स हिलाना नहीं है और कमर से मूवमेंट कीजिए। देखिए इनहेल एक्सहेल, कंच बनाइए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें। श्वास छोड़ें, इस तरह से श्वास भरनी है, छोड़नी। आप चाहें तो हुक मूवमेंट को इस तरह लेफ्ट और राइट, राइट एंड लेफ्ट, ये जितना अच्छा मूवमेंट आप करेंगे आपका जो टमी एरिया है, कमर है, दुरुस्त रहेगी और कभी पेन नहीं होगा। जितना आप फ्लेक्सिबल रखेंगे तो शरीर में योग आसन का सबसे पहला काम ही आपके शरीर से अकड़न और जकड़न को दूर करना है। इसीलिए हम खिंचाव वाले आसन कराते हैं, होल्डिंग्स कराते हैं। यहीं से फिर से पोजीशन बनाएंगे इस तरह से। एक पैर को उठाएंगे, ये आपके लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे जो पेट नीचे की तरफ लटक जाता है, जिन लोगों का टमी बहुत निकला हुआ है, बहुत ज्यादा थुल्लापन रहता है जिसमें, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार अब इसी में सेकंड वेरिएशन, इसको हम पिछले हफ्ते भी हमने किया है, इस हफ्ते भी कर रहे हैं क्योंकि आप लगातार जब ये अभ्यास रखेंगे तो आप इसके रिजल्ट्स को देख पाएंगे। आप हाथ को उठाते हुए सीधा पैर और बायां हाथ, यानी कि दायां पैर बायां हाथ। एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 2 3 4, 5, 6, 7 पूरे शरीर में का सशक्तिकरण करता है यह अभ्यास। 9, 10 दूसरे पैर से अब बाया पैर दाया हाथ सीधा रखें, हाथ को इस तरह उठाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। श्वास ले, श्वास छोड़े। अब इसी में अपनी स्पाइन को आप इसी पोजीशन के अंदर तिरछा अच्छा खिंचाओ और स्ट्रेच दे सकते हैं। कैसे देंगे? इस तरह से एक हाथ का नाप ले लिया, फिर से वापस उसी पोजीशन में आ गया इस तरह से ये, और यहीं से इनहेल एक्सहेल। यहाँ जैसे आपने बाया हाथ दाएं हाथ के नीचे से और दाया हाथ ऊपर, ये 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू रखें आप। 5, 6, 7 8, 9, 10 रिलैक्स। यही से आप चाहे तो आप इस तरह एक स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेच करें, हिप्स को आप रखें, चेस्ट को जमीन पर लगाएं, इस तरह पूरा स्ट्रेच कीजिए। होल्ड करके रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 धीरे से ऐसे एड़ी पर हिप्स को लगा दीजिए और होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैट्स पर अपने अपने खड़े हो जाते हैं। मैं बताया बहुत सारा ब्रेक ले लेंगे, थोड़ा लगातार रखेंगे और हल्के हल्के कदम ताल करना शुरू कीजिए। एक्सेल करना है, और धीरे धीरे जब आप इस तरह करने लग जाएं तो पैरों को और ऊपर उठाना शुरू करेंगे। कैसे? पर आप उठा सकते हैं, उठाइए। और इस तरह जॉगिंग। लंबा इनहेल, लंबा एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरें, छोड़ें। रोके सांस को। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। समस्थिति में खड़े हो सकते हैं, ये आपकी समस्थिति है। समस्थिति में खड़े हो। शरीर को ढीला, जितना ढीला छोड़ सकते हैं ढीला छोड़ें। जंपिंग जैक्स के लिए तैयार। 40-40 के राउंड्स, 30-30 के करते हैं। 30-30 और ब्रीथिंग पैटर्न दोनों राउंड्स में चेंज होगा। पहले इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है, एक्सहेल करते हुए नीचे लेकर आएंगे। चलिए अपने अपने 30 राउंड्स कंप्लीट करें। मेरे कंप्लीट है। आप लोग अपना पूरा कंप्लीट करके आए। जो लोग जंप के साथ नहीं कर सकते वो लोग इस तरह से करना है, लेकिन बहाना नहीं करना है कि हम तो जंप ही कर सकते। तो जंपिंग जैक्स कैसे करेंगे? विदाउट जंप कीजिए, लेकिन करें। हाथ पैरों को चलाएं, ऐसे शोल्डर्स को खड़े रहते हैं तो ढीला छोड़िए। इस तरह से आगे पीछे चलाइए हाथों को, ऐसे इस तरह पेंडुलम की भांति ढीला छोड़ते हो। बिल्कुल ढीला छोड़िए। बीच बीच में हल्का सा ढीला छोड़ते हुए अप डाउन, शोल्डर अप डाउन। चलिए नेक्स्ट जंपिंग जैक्स का राउंड करेंगे। इसमें विदिंग पैटर्न क्या होगा? इनहेल करते हुए हाथ नीचे, एक्सहेल करते हुए ऊपर, ऑपोजिट। इस तरह से अपने 30 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। रिलैक्स। वार्म-अप के बाद हम सीधा आज टमी से रिलेटेड सारे अभ्यास रखेंगे। टमी बैली फैट रिड्यूस करने के लिए अभी तो 10-10 काउंट्स ले गए। ओनली 10 काउंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों पैर खोलेंगे, साइड बेंडिंग 1, 2, 3, एक्सेल करें, नीचे जाते हुए एक्सेल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. दोनों पैरों को बीच में करें, लेग्स को शेक कीजिए, इस तरह शेक करें पूरा शरीर, ऐसे आप शेक कीजिए, आप ऊपर से भी ऐसे, ठीक है छोड़िए। चलिए आज हम पर्वतारोहण माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे, 40 काउंट्स। पहले करना कैसे है, पहले आपको प्लांट में आना होगा। कैसे, ये दोनों हाथ यहाँ पे जमाने हैं इस तरह से, और ये हो गया आपका प्लांट। अब जो लोग वैसे तो जो पर्वतारोहण करने जा रहे हैं इसका बेनिफिट स्पीड के साथ कीजिए तो है, लेकिन आप इनिशियल स्टेज पर हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, तब क्या करना है, सबसे पहले तो इस संतुलन आसन में होल्ड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आप धीमी गति से करें। लेकिन जब आपकी क्षमता बढ़ जाए, स्टेमिना अच्छा हो जाए, स्पीड के साथ कीजिए। ओनली 40 काउंट्स करने हैं। चलिए इस तरह पोजीशन ले लिया, 1, 2, 3 गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स। इस तरह से आप, अभी हमने 40 काउंट्स किए हैं, आप इसके 40 के 2-3 राउंड डेली कीजिए। और इसके बाद आज हम ओनली 10 राउंड्स, आप एक थोड़ा सा मुश्किल प्लान करेंगे। कैसे करना है, आपने अपने मैट्स पर ये प्लैंक पोजीशन ले लीजिए इस तरह से, और फिर एक पैर को उठाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दूसरी साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। ये जो हमने 10 राउंड्स किए हैं, सेल्फ प्रैक्टिस में इसके अभ्यास को भी आप बढ़ाएंगे। बैक टू बैक आज कर रहे हैं, ताकि जिन लोगों को वेट लॉस करना है वो अच्छे से इसको सीखें और करें। अब एक एक पैर उठा के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब इसमें आप डिफिकल्ट कैसे करेंगे, देखिए ब्रिक्स ले लीजिए इस तरह से सपोर्ट के लिए दोनों साइड में। ये आपके पेट को जो टमी डाई है इसको ज्यादा एक्सरसाइज मिलेगी, कैसे उठा दीजिए, इस पर हाथ रखा, सपोर्ट ले लिया, ये 1 2 3 4 5 विद सपोर्ट बताया गया। अदरवाइज ये हाथों से विदाउट एनी सपोर्ट इस तरह से भी शरीर को उठा के किया जाता है, लेकिन आप सपोर्ट के साथ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इससे क्या होगा, आपकी बेली, आपके स्टमक मसल्स को ज्यादा एक्सरसाइज मिलेगा। एक बार फिर से 10 राउंड्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह आप ब्रेक की मदद से थोड़ा सा पहले ब्रेक के साथ खींचे और फिर धीरे धीरे ब्रेक्स को हटा दीजिए। जब शोल्डर में आपको लगने लगे, आपकी कलाइयों में ताकत महसूस होनी शुरू हो जाए तो ब्रेक्स को आप हटा दें। तो लांगुल आसन भी आपको बेली फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छा है, वो भी हम ब्रेक की मदद से कर सकते हैं। पहले तो पर इसके लिए पद्मासन लगाना जरूरी है, आपको पद्मासन लगाना आना चाहिए। उसके बाद इस तरह से ब्रेक्स से सपोर्ट करना है और शरीर को ऊपर उठाना है, कैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, आप इसे डेली कीजिए। अपने अपने मैट्स पर वज्रासन में बैठेंगे और यहीं से कपालभाति का अभ्यास शुरू करेंगे। लेकिन कौन लोग नहीं करेंगे, अल्सर, हर्नियाम और हाइपर एसिडिटी का जिनको प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, उन्हें नहीं करना है। और कैटराइट का जिनको दिक्कत है, स्लिप डिस्क है। स्लिप डिस्क में जब हम फोर्सफुली एक्सलेशन करते हैं तो जर्क आता है, इसलिए इसे अवॉइड किया जाता है, मना किया जाता है। शुरू करिए, इस तरीके से आपको फोर्सफुली एक्सलेशन करना है और 150 to 200 काउंट्स आप इसको डेली कीजिए। इसके बाद अनुलोम विलोम के लिए फर्स्ट 2 फिंगर्स को थंब के सबसे नीचे वाली लाइन पर रखेंगे। अपने अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद कीजिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और बाएं से श्वास लेंगे। शास्त्रों के दाएं से छोड़े, दाएं से श्वास भरें, रोकें, बाएं से छोड़े, बाएं से श्वास भरें, रोकें, दाएं से छोड़े, दाएं से श्वास भरें, रोकें, बाएं से छोड़े। धीरे से हाथों को नीचे लाइए। इसकी भी 10 से 20 आवृत्तियां करेंगे। आंखें बंद, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे सभी। सभी के लिए प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।